नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज पूरे दिन राजधानी लखनऊ में दिन भर किन खबरों की चर्चा रही, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं लखनऊ के विकास नगर की, जहां मामूली कहासुनी के बाद ही दबंगों ने इस युवक को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। फिलहाल पीड़ित युवक ने विकास नगर थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस इन दबंगों को पकड़ने में जुट गई है। वही अगली खबर लखनऊ के मेहंदीगंज से है, जहां लड्डू खाने के बाद 15 बच्चे बीमार हो गए। सभी को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों की निगरानी में सभी का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी सहाना के घर में बच्ची का जन्म हुआ था। इस खुशी में सहाना ने लड्डू बंटवाए थे। इनको खाने के बाद अधिकतर बच्चों को उल्टी दस्त हो गए। फिलहाल सभी बच्चे अब ठीक हैं। वहीं पुलिस चौकी में दुकानदार के खिलाफ शिकायत की गई है। इसके अलावा खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को भी लिखित शिकायत दी गई है। वहीं शहादतगंज क्षेत्र में एक गली में एक्स्ट्रा पड़े तार को हटाना और खुले पड़े तारों पर टाइपिंग करना बिजली अधिकारियों को महंगा पड़ गया। नूरबाड़ी सब स्टेशन क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए एक्स्ट्रा पड़े तारों को हटाने और टेपिंग करने का लोगों ने विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंचे बिजली अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए जब कार्रवाई की गई, तो स्थानीय लोगों द्वारा अधिकारियों के साथ भी अभद्रता की गई। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां दो छात्र अभियुक्तों को एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों महादेव बुक गेमिंग बैटिंग ऐप से ठगी करते थे। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर अरबों रुपए की ठगी करते थे। वहीं विभूति खंड थाने की समिट बिल्डिंग के पास से अरेस्ट किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में शुक्रवार देर रात चिकन कारोबारी के घर में आग लग गई। हादसे के कारण घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। वह कामाख्या हॉस्पिटल के पास विनय दीक्षित परिवार के साथ 3 मंजिला मकान में रहते हैं। वह चिकनकारी का कारोबार करते हैं। शुक्रवार रात करीब 3 बजे पहली मंजिल पर बने कंप्यूटर और सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट में आग लग गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।